गुड मॉर्निंग बेटा, कैन यू हियर मी? प्लीज टेल मी। Please tell me, can you all hear me so that we can start the topic? Unmute yourself and tell me. Teacher, पहले ये तो बता दीजिए कितने यूनिट्स हो गई? क्लास लगाते हो आप रोज? क्लास तो लगाते नहीं हो रोज, कैसे पता चलेगा? हुण दस्ता तो माड़ा जा की फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है, ग्रुप चेक करो अपना, डेली काम भी आ रहा है और क्लास भी लग रही है। अगर आप प्रेजेंट नहीं रहोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। टीचर ओ मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा भी जेडी पहला जेड़ा वो किना पूरी नोटबुक बनवाती थी भी वो किना के काम करवाया होया है। सिर्फ फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेस्ट 1 में। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है और फर्स्ट हो गया है कंप्लीट। टीचर मैं वो नहीं कह रहा, जब हम स्कूल आते थे तो एक पूरी नोटबुक बनवा दी थी पहले है? हाँ, तो फिर वो पहला इस पीरियोडिक टेस्ट में नहीं आएगा, सुन रहा है ना? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा पीरियोडिक टेस्ट में ओनली। फिर पिछला काम ना करिए, यही यही करिए। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट आएगा और फर्स्ट चैप्टर हमने पहले भी किया था। टीचर मैं रिटन वर्क की बात कर रहा हूँ, मतलब पिछला हाँ, रिटन वर्क तो ना कीजिए, कंप्लीट कीजिए, लेकिन फिलहाल पीरियोडिक टेस्ट 1 के लिए फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा, तो पहले ये कर लो। मतलब पहला ही लिखिए फिर होना। मैं एक बार टीचर दोबारा इकट्ठे पीडीएफ भेज दूंगी, मैं तो लपड़ी मैंने पता भी नहीं कितने फाइल बनियाने हुई। सेंड की हुई है ग्रुप में, आप चेक कर सकते हो। और ये ऐसी बातें करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन कॉल एट द ऑफिस नंबर ऑफ स्कूल। ठीक है ओके, तो टुडेज टॉपिक इज, कल हमने कर लिया था कंप्लीट इलेक्ट्रिक एब्लेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट किया था कल हमने। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का ही आर्टिकल्स किए थे, एक बार डायपोल वाला किया था है ना, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल किसी एंगल के ऊपर रखा था, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए किया था। जैसे हमने फील्ड के आर्टिकल किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, पहले एक चार्ज के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, फिर टू चार्जेस के लिए, और फिर फर्दर सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस के लिए, उसी तरह हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के किए, और उसी तरह सेम टू सेम हमने किसके किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। अब फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है, अब तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट कवर हो गया है। सेकंड चैप्टर का नेम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस स्टार्ट होगा, उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या हैं? तो ये तो हम ऑलरेडी पहले बहुत हायर लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर क्या होता है, वो वाले सब्सटेंसेस जो अलाउ करते हैं कि उनके बीच से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वो वाले सब्सटेंसेस जिनके बीच इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। और फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था कि इंसुलेटर्स को हम डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं समटाइम्स, ठीक है? और वो क्यों बोलते हैं वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम कंडक्टर की डेफिनेशन को देखो, क्या लिखा है कि वो वाले सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये वही बात है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब है करंट है ना। इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर कोई कितने भी काफ़ी सारे चार्जेस हैं लार्ज स्केल के ऊपर, कोई सब्सटेंस अगर अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए, कब अलाउ कर रहा है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल कंडक्टर्स की सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, ये सभी क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में भी ऐसे ही पढ़ा था। उसके बाद है नेक्स्ट इंसुलेटर्स।
इंसुलेटर्स क्या हैं, वो वाले सब्सटेंसेस जो अलाउ नहीं करते, विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इंसुलेटर के पास तो होता ही बाउंड चार्ज है, उसके पास कुछ भी फ्री चार्ज नहीं होता जो मूव कर सके। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करें तो भी इंसुलेटर्स अलाउ नहीं करते, क्या नहीं अलाउ करते, फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसीलिए इनका नेम क्या है, इंसुलेटर्स है। डायमंड एग्जांपल है प्रैक्टिकल, डायमंड, ग्लास, वुड, माइका, वैक्स। माइका क्या है, माइका शीट्स होती हैं, एक मटेरियल है ऐसा। ये मोस्टली हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रेस में माइका शीट यूज़ की जाती है, इसीलिए वो इतनी सारी हीट एनर्जी देती है और हम आयरन कर पाते हैं क्लोथ्स को। तो हीट कैसे प्रोड्यूस होती होती है, हमने 10th क्लास में भी ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हीटिंग इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, कि अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने की कोशिश करते हैं तो वो अलाउ ही नहीं करता चार्ज की मूवमेंट को, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। किसी भी डिवाइस का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए हीटिंग डिवाइसेस में हम इंसुलेटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेस में माइका शीट की यूज़ की जाती है, बहुत सारे ये मटेरियल्स भी यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कि हम इन सब्सटेंसेस को डाइइलेक्ट्रिक्स और नॉन इलेक्ट्रिक्स क्यों बोलते हैं। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, द रबड़ इंसुलेटर्स वर एबल टू रिटेन चार्जेस। रिटेन का मतलब कि अगर उनके पास जो चार्ज है उसको पकड़ के रखने का, कि चार्ज उसी के ऊपर रहे, मूव ना करे। तो यही तो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है कि ये तो अलाउ ही नहीं करते चार्ज को मूव करे। अगर चार्ज हमने उनको चार्ज दे भी दिया फिर भी चार्ज उनके ऊपर ही पड़ा रहता है, वो रिटेन ही करके रखते हैं अपने चार्ज को, उसको मूव नहीं करने देते, अलाउ नहीं करते, इसीलिए इनको हम डाइइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और जो कंडक्टर्स हैं उनको नॉन इलेक्ट्रिक्स बोला जाता है, बिकॉज वो उसके पास चार्ज तो रहता ही नहीं है, स्थिर चार्ज नहीं रहता उनके पास, मतलब स्टैटिक चार्ज नहीं रहता रेस्ट पे, वो रिटेन नहीं कर पाते, इमीजिएटली ड्रेन अवे हो जाता है चार्ज, इमीजिएटली पास थ्रू करवा देते हैं, इसीलिए वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है ना, वो कंटिन्यूसली इमीजिएटली ड्रेन अवे कर देते हैं चार्जेस को, इसीलिए उनको नॉन इलेक्ट्रिक्स बोला जाता है। इतना क्लियर है सभी को, टेल मी यस और नो। यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट है फ्री एंड बाउंड चार्ज, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्री चार्ज कौन सा होता है, जो फ्री टू मूव है, जो मूव कर सकता है कहीं पर भी। बाउंड चार्ज जो मूव नहीं कर सकता, जिसकी बाउंडेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर अगर हमने कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का अंडरस्टैंड करना है तो उसको हम फ्री एंड बाउंड चार्जेस से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो मेटैलिक कंडक्टर्स होते हैं, है ना, उनमें क्या है, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वो फ्री टू कंडक्टर्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री टू मूव होते हैं। उनमें क्या होता है, आउटर शेल में जो एटम्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, है ना। एटम्स होते हैं जो आउटर शेल में वो लूजली बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस। जब वो लूजली बाउंड होंगे तो वो रिवॉल्व कर पाएंगे, अगर वो लूजली बाउंड टाइटली क्लोज होते हैं ना फिर वो मूव ही ना कर पाते। तो क्या होता है, एटम्स ऑलमोस्ट फ्रीली मूव कर सकते हैं मेटल के इनसाइड। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करना, ड्रिफ्ट मींस मूव करना शुरू कर देते हैं इन द ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और मूव कैसे करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओपोजिट डायरेक्शन के, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट होती है। देखो क्यों होती है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, हमें हमेशा हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, उसके अंदर हमने कोई कंडक्टर रख लिया। अब कंडक्टर के पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री टू मूव हैं, लूजली बाउंड हुए हुए हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे, लेकिन वो किसकी तरफ मूव करेंगे, प्लस चार्ज की तरफ मूव करेंगे, ड्यू टू बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पीछे क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, है ना। तो इनकी डायरेक्शन ये आगे हमें डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा,
इसकी डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऑलवेज एक दूसरे के ओपोजिट होती है. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा एक्सटर्नल, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज उससे ओपोजिट डायरेक्शन में होंगे. उसके बाद क्या है ये होता है, और जो जब इलेक्ट्रॉन्स सारे मूव कर जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, पीछे पीछे तो होल्स रह जाते हैं जिसको हम पॉजिटिव आयंस के नाम से जानते हैं, है ना. वो क्या होंगे, इमोबाइल होंगे और वो क्या बन जाएंगे, बाउंड चार्ज. बिकॉज होल तो मूव नहीं कर सकता, जो पीछे बचा है इमोबाइल मतलब जो चीज़ मूव नहीं कर सकती. ये कौन कौन से कंडक्टर्स की बात कर रहे थे हम, मेटेलिक. अब नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. वो ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों ही चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं. दोनों ही मूवमेंट कर सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, बट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच ही प्रोड्यूस हो जाती है. और उसके बाद इंसुलेटर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियाई एंड वो डिटैच नहीं किए जा सकते एटम से. और चार्ज इन इंसुलेटर क्या है, देयर फॉर बाउंड चार्ज हो गया बिकॉज वो तो मूव ही नहीं कर सकता. तो फ्री चार्ज की एब्सेंस की वजह से इंसुलेटर्स हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो ये याद रखना है कि मेटेलिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर शेल के, वो क्या थे, फ्री चार्जेस थे. बट इमोबाइल क्या था वहाँ पे, जो मूव नहीं कर सकता था, पॉजिटिव आयंस जो थे वो बाउंड चार्जेस थे जो मूव नहीं कर पा रहे थे. और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्री चार्ज होते हैं. इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिव आयंस भी दोनों क्या होते हैं, बाउंड चार्जेस होते हैं. अब फर्दर हम इनकी प्रॉपर्टीज से पढ़ लेते हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को डिटेल में. तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर. कंडक्टर्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, तो ये पढ़ेंगे. हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो जीरो होती है. देखो ये कैसे होगी, यहाँ पे हमारे पास हमने एक फील्ड ले लिया, ये प्लस लाइन और ये वाली लाइन, पैरेलल दो लाइंस हैं जो ये फील्ड को शो कर रही हैं. यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है. इसके अंदर क्या है हमारे पास, फील्ड है. फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. और इसके अंदर जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा है, ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर शेप का कंडक्टर है. तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कंडक्टर के अंदर, यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. ठीक है, देखो ये कैसे होगी. पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास. और उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये पैरेलल लाइंस हैं जो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है. एक्सटर्नल अप्लाई किया है हमने, कंडक्टर के बाहर है. अब कंडक्टर में जैसे ही हमने ये एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हमने कंडक्टर को रखा, उसी टाइम कंडक्टर तो ऐसा सब्सटेंस होता है जो अलाउ करेगा उनके बीच से इलेक्ट्रॉन्स चार्ज क्या हो जाए, मूव हो जाए इमीडिएटली. तो जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करना शुरू कर देगा. लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन किसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे, प्लस की डायरेक्शन में, है ना. तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, जो माइनस साइन है, सारे का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो गया, है ना. और पीछे क्या बच गया हमारे पास, प्लस बच गया. अब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा अब ड्यू टू प्लस एंड माइनस बोथ चार्जेस. और अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसको हम इंड्यूस्ड बोल रहे हैं. इंड्यूस्ड वो होता है जो किसी दूसरे की वजह से प्रोड्यूस होता है, पैदा होना,
ठीक है, तो ये वाला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? जब हमने इस कंडक्टर को इस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो क्या हुआ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव थी। कंडक्टर के पास जितना भी फ्री चार्ज था वो सारे का सारा क्या हुआ? मूव करना शुरू किया। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे हमेशा, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? अब उनको तो वो तो जिस तरफ अट्रैक्ट होंगे उसी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव तो उसे अपनी तरफ से रिपेल करेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ इस वाली प्ले इस सरफेस के ऊपर आ गए, सारे के सारा नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव यहाँ आ गया तो पीछे क्या बच जाता होता है हमारे पास? प्लस बच जाता है। ठीक है, तो अब अंदर भी जहाँ पे हमारे पास दो चार्ज हो, प्लस और माइनस, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है। चार्ज के कुछ स्पेस के अंदर, चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, अब उसका इफेक्ट शो होगा। अब अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया इसका नाम, ये इस डायरेक्शन में है। अब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो गया, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी और बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के ओपोजिट है, लेकिन वैल्यू क्या है? इक्वल है। इसीलिए टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। समझ आया फर्स्ट प्रॉपर्टी? यस मैम। ठीक है, तो ये था इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम कंडक्टर को किसी और तरह की सरफेस लेंगे कंडक्टर की, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। अब देखो ये यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि चार्ज इंड्यूस हो गया राइट एंड ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, है ना, कि नेगेटिव जब लेफ्ट पे मूव हो गया तो राइट पे, वही जो मैंने बोला है। और फिर प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, कब तक? जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हो जाता, और जो इंड्यूस्ड चार्जेस कि इस तब तक कब जब तक वो इक्वल एंड ओपोजिट नहीं हो जाता एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब तक चार्ज मूव करता रहेगा और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब फर्दर है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ये हम पहले भी करते हैं प्रॉपर्टीज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है किसी भी सरफेस के ऊपर कंडक्टर के, वो क्या होती है? उसके नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। अगर ये नॉर्मल ना होती तो कोई ना कोई टेंजेंट होती, अगर टेंजेंट होती तो क्या हो सकता था कि इमीडिएटली चार्ज का फ्लो हो सकता था, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर भी करंट प्रोड्यूस हो जाता, लेकिन ऐसा करंट स्टैटिक कंडीशन के अंडर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर नॉर्मल होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसके बाद है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। जो टोटल चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर वो तो जीरो होता है, लेकिन अगर कोई एक्सेस चार्ज ज़्यादा है वो उसकी सरफेस के ऊपर रिसाइड फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर देखो ये कैसे करेंगे, समझते हैं। कंसीडर कर लिया कि एक कंडक्टर है हमारे पास जिसके पास एक्सेस चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है क्यू, विद नो करंट फ्लोइंग इट इन, करंट उसके अंदर फ्लो नहीं कर रहा, मतलब चार्ज क्या है? स्टैटिक है, रेस्ट पोजिशन पर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं जब फ्लक्स की, तो उसके लिए हम गॉस लॉ यूज कर लेते हैं, है ना, और गॉशियन सरफेस बना लेते हैं कंडक्टर के जस्ट नियर इट्स आउटर बाउंड्री। हमने क्या किया, एक कंडक्टर था ये वाला, ठीक है, इसके बाहर क्या है, इतना सारा ये ऐसे था पॉजिटिव 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 चार्ज इसकी आउटर सरफेस के ऊपर, है ना, जितना पॉजिटिव उतना ही इनर सरफेस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो हो गया, और बाहर क्या है, ये नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये हमने जो डैश वाली बनाई है ना, डैश डैश डैश, ये क्या बनाई है? गॉशियन सरफेस बनाई है। अंदर हमारे पास इसके कोई भी चार्ज नहीं है, जितना भी चार्ज है वो सारा क्या है, बाहर वाली सरफेस पे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है आउटसाइड द सरफेस।
ठीक है, और ये अंदर वाला ये चार्ज नहीं है, ये गॉसियन सरफेस को डॉट डॉट लाइन के साथ शो किया है। अब अंदर जब कोई चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो हो जाएगा, ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर। कैसे? बिकॉज हमें पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, है ना। तो ई ये फर्दर किसके इक्वल होता है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर। अब एनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर का मतलब है चार्ज उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। अब अंदर तो इससे कोई चार्ज ही नहीं लिया हमने, ऐसा कंडक्टर लिया है जिसमें अंदर क्या है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो, एंड जितना भी जो चार्ज था वो सारा उसकी सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर बाहर, वो भी स्टैटिक पोजिशन में, कोई करंट नहीं है वहाँ पे। तो अगर अगर अंदर चार्ज जीरो हो गया तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से हमें वैसे ही पता चल रहा है, अब ये पॉजिटिव आउटसाइड वाला चार्ज तो अंदर नहीं आएगा, वो तो कंडक्टर के बाहर ही रहेगा बिकॉज वो स्टैटिक है, और अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर नहीं होगा। उसके बाद पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, सरफेस के अंदर और सरफेस के ऊपर किसी भी कंडक्टर की जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। देखो ये कैसे बनेगी, यहाँ पे जो चार्ज था इसी को देख लो। अब हमने रिलेशन किया था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिलेशन क्या था, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, है ना। तो अगर यहाँ पे हमें क्या बोला है कि पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है फोर्थ प्रॉपर्टी में ऑन द सरफेस एंड विद इन द कंडक्टर। अगर इसमें देखें हम, अब ऑन द सरफेस भी कोई चार्ज नहीं है, विद इन द सरफेस भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बाहर चार्ज है, जहाँ पे चार्ज है पोटेंशियल वहाँ पे तो होगा। अब अंदर पोटेंशियल क्यों नहीं होगा, बिकॉज कॉन्स्टेंट कैसे होगा हमारे पास, बिकॉज हमारे पास ई क्या होता है, डी वी अपॉन डी आर, तो वहाँ पर डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट होता है, जीरो कब होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, जब वो फंक्शन क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। तो ऐसे बना है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें पता है रिलेशन माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। इनसाइड अ कंडक्टर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया तो जीरो पुट कर दो। अब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, जीरो किसका डेरिवेटिव होता है, अगर वो फंक्शन कांस्टेंट हो तो इससे प्रूव हो गया कि पोटेंशियल क्या है हमारा, कांस्टेंट है, वो हर जगह पे सेम ही होगा थसा। तो तब हम इसीलिए इस सरफेस ऑफ कंडक्टर को क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल। क्यों? बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होती थी, अगर कोई ऐसा कंडक्टर है, ऐसी सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो वो कॉन्स्टेंट आए। अब अगर हम इसके इनसाइड निकाल रहे थे तो इसके इनसाइड में हमारे पास हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड एट एवरी पॉइंट क्या था, जीरो था, है ना। यहाँ पे इस डायग्राम में सभी जगह जीरो है, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह जीरो, तो हर जगह पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, के ई किसके प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा। ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, वहीं से ये प्रॉपर्टी बनी है। देखो हमें पता है फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ई डॉट डी एस, पाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमारे पास कोई 2D हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, है ना, तो चार्ज क्या हो जाता है, सिग्मा डॉट डी एस। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हम पहले भी कर चुके हैं, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो क्यू की और फ्लक्स की, दोनों की, दोनों की वैल्यू पुट की, डी एस डेल्टा एस, डेल्टा एस कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस चार्ज कंडक्टर के लिए जिसकी डेंसिटी क्या हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, सिग्मा हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोपोर्शनल हो गया, सिग्मा को, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट तो क्या था, कांस्टेंट था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होती है, तो एन कैप के साथ शो कर दी ई वेक्टर, एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटर डायरेक्शन, ठीक है। ये कोई 2D सरफेस ले ली थी जिसका एरिया डेल्टा एस था, और ये गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल शेप की बनाई है ना, ये कंडक्टर की सरफेस थी और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल थी, कंडक्टर को हमने इरेगुलर शेप का ले लिया, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जब सॉल्व करके देखा तो फ्लक्स और गॉस लॉ लगाना है, फ्लक्स की डेफिनेशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन से हम गॉस लॉ में दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये तो हमें प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा के प्रपोर्शनल। क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। अब इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर। कैविटी मतलब एम्प्टी अंदर, होलो चार्ज कंडक्टर की कैविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। देखो ये कैसे, इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि एक हमारे पास चार्ज कंडक्टर है जिसकी कैविटी है विद नो चार्जेस, चार्ज की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। देखो एक 2D सरफेस ले लिया, वैसे ही लिया जैसे ऊपर लिया था, यहाँ बस वहाँ क्लोज बना ली थी। गॉसियन सरफेस हम कहीं भी बना सकते हैं बिकॉज इसके अंदर तो एवरी पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। हमने एक ऐसे ही सरफेस कंडक्टर ले लिया जिसके बाहर चार्ज प्लस था और अंदर कोई चार्ज नहीं है, कैविटी के अंदर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, जीरो है। गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, वहाँ पे पोटेंशियल भी क्या होता है, कांस्टेंट। ये वाली डॉट वाली तो गॉसियन सरफेस बनाई है और जो ये सेंटर में लाइन ड्रॉ की गई है ये क्या है, कैविटी को शो कर रही है, अंदर उसके होल है, अंदर से वो एम्प्टी है, ठीक है। और यहाँ पे हम कहीं भी ड्रॉ करें एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो उसकी कैविटी में भी तो जीरो ही होगी, है ना, किसी भी पॉइंट पे हम ड्रॉ करें तो। इमेजिन कर लिया गॉसियन सरफेस कंडक्टर के इनसाइड है और वो क्लोज टू कैविटी है, हमने इमेजिन किया है कि कैविटी के बिल्कुल क्लोज है जो गॉसियन सरफेस है, उसमें ऊपर वाले में हमने गॉसियन सरफेस ऐसे ले ली थी बिकॉज वो कैविटी वाला होल वाला कंडक्टर नहीं था, ये अंदर से एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। एवरीवेयर इन साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग चार्ज भी इनक्लोज जो कर रही है गॉसियन सरफेस भी, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चार्ज भी जीरो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए अंदर हर एक पॉइंट पे, तभी तो चार्ज क्या है, चार्ज जीरो है। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चार्ज जीरो, ये तो है ना ऑब्वियस है। तो एंटायर एक्सेस चार्ज कहाँ पे है, बाहर वाली साइड पे लाई कर रहा है। क्लियर हो गया ये वाला? हाँ जी मैम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब है प्रोटेक्शन करना, है ना, कैसे प्रोटेक्ट करना है किसी को। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, सपोज कर लेते हैं एग्जांपल से, एक कंडक्टर है हमारे पास जो कैविटी वाला है, जैसे ऊपर वाली डायग्राम को देखो, है ना, तो ये इसमें क्या थी, कैविटी थी, तो एक कंडक्टर है जो कैविटी वाला है, उस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी साइज और शेप हो, चाहे कैविटी की कैसी भी शेप हो, कैसा भी चार्ज, चार्ज की कितनी भी वैल्यू हो कंडक्टर के ऊपर, है ना, चाहे कितना भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दे हम, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, ये होगा ही होगा, चाहे हम यहाँ पे कितनी कैसी भी शेप ले लें कैविटी की और कंडक्टर की, और कितना ज़्यादा चार्ज हो यहाँ पे बाहर वाली सरफेस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से एक और अप्लाई कर दें, कितना भी एक्सटर्नल हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, बट कैविटी में कोई चार्ज नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है। अगर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो हो रहेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर की जो कैविटी है वो हमेशा शील्डेड रहती है फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू में भी चाहे ऐसे कंडक्टर को रख देते हैं जिसकी कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, फिर भी ना तो वो कंडक्टर का चार्ज, कंडक्टर की आउटसाइड सरफेस का चार्ज, है ना, कैविटी के बाहर का चार्ज, ना ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते, कैविटी हमेशा प्रोटेक्ट रहती है इलेक्ट्रिक आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस के। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है।
तो इस जो फ्री रीजन होता है ना, फील्ड फ्री रीजन, इसको फैराडे केज भी बोला जाता है। जो माइकल फैराडे था उसी ने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे हमें किसी चीज़ को बचाना है, खुद को बचना है, या फिर कुछ भी के इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करना है अगर किसी चीज़ को, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यूज़ की जाती है ना। तो फिनोमिनन कौन सा फिनोमिना जो रीजन को फ्री बनाता है, मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फिनोमिना कौन सा है? अगर हम कंडक्टर को किसी अंदर से कोई मेटल इस तरह के यूज करके अंदर से उसको एम्प्टी कैविटी बना दें उसके अंदर, तो उस कैविटी में वो फ्री हो जाएगा। कैविटी वाला रीजन होगा जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से बेस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाता है इनसाइड द कैविटी ऑफ अ होलो कंडक्टर? देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। अगर कोई थंडर स्टॉर्म है और लाइटनिंग हो रही है ना, तो हमारे लिए ये सेफ होगा कि अगर हम ट्री के नीचे की जगह से अंडर अ ट्री की जगह हम क्या करें, इनसाइड अ कार बैठ जाएं, और ओपन ग्राउंड और ट्री के नीचे की जगह से अगर हम इनसाइड अ कार बैठेंगे, तो हम लाइटनिंग से सेफ होंगे ज़्यादा। क्यों? बिकॉज जो कार की मेटेलिक बॉडी है वो उसमें इस तरह का मटेरियल यूज़ किया होता है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है वहाँ पे फ्रॉम लाइटनिंग, है ना। वो लाइटनिंग से हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इन्फ्लुएंस नहीं होता एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस से उसके अराउंड भी क्या किया जाता है, मेटल शील्ड अराउंड देम प्लेस की जाती हैं। ठीक है, और कोएक्सियल केबल्स जो होती हैं, आउटर कंडक्टर कनेक्टेड टू ग्राउंड, कोएक्सियल केबल में क्या होता है, आउटर कंडक्टर को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, वो भी इलेक्ट्रिकल शील्ड देता है टू द सिग्नल्स कैरिड बाय द सेंट्रल कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझ आ गई? यस और नो बेटा? मैम यस ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब भी क्या है कि किसी भी डिवाइस के पास, किसी भी कंडक्टर के पास, कंडक्टर ले लेते हैं बिकॉज चार्ज तो कंडक्टर के पास है, कितनी का एबिलिटी है उस चार्ज को अपने पास होल्ड करके रखने की, स्टोर करके रखने की, है ना। किसी भी एक कंडक्टर के पास कितनी का एबिलिटी है चार्ज को अपने अंदर होल्ड करके रखने की, या फिर चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं उस डिवाइस की। देखो यहाँ क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। के कितनी एबिलिटी है किसी कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके रखने की, ठीक है, स्टोर करके रखने की, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि इस कंडक्टर के कैपेसिटेंस की वैल्यू इतनी है, तो उसका मतलब है कि इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, ये इतना का चार्ज ही इतनी सम कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। अगर हम सपोज कर लें यहाँ पे कि एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, उसको हमने कुछ चार्ज दे दिया। देखो कंडक्टर कौन सा लिया, इंसुलेटेड, हमने ऊपर कंडक्टर और इंसुलेटर में यही पढ़ा है कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर को हम नॉन इलेक्ट्रिक बोलते हैं, वो रिटेन नहीं कर सकता चार्ज को, वो क्या, चार्ज ड्रेन अवे हो जाता है, मूव कर जाता है ईजीली। लेकिन इंसुलेटर क्या होता है, वो उसमें चार्ज रिटेन हो जाता है, और यहाँ पे हमें रिटेन ही चाहिए, इसीलिए हमने इंसुलेटेड कंडक्टर लिया है जिसको कुछ चार्ज दिया, और उसके पास अगर चार्ज है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू भी आ गई, और जितना हम चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे कंडक्टर के ऊपर, उतना ही पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब सपोज कर लो, अब हमें हर चीज़ का मैथमेटिकल फॉर्मूला तो डिराइव करना होता है, इसी तरह हम कैपेसिटेंस का भी करेंगे, ठीक है। तो अगर जितना ज़्यादा हम चार्ज उसके ऊपर पुट करते जाएंगे इंसुलेटेड कंडक्टर के, उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। अगर हमने चार्ज क्यू दिया है तो पोटेंशियल भी दोनों के, जितना कम चार्ज उतना पोटेंशियल की वैल्यू कम, जितना हम ज़्यादा चार्ज देते जाएंगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, उतनी जितना ज़्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा, है ना, उतनी उसकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए क्यू क्या हो गया, वी के प्रपोर्शनल, और क्यू को हम प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर हम सी लिख सकते हैं। सी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, और सी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर।
जैसे वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ओम्स लॉ किया था, वहां आर क्या था, रेजिस्टेंस था जो रेजिस्ट करता था फ्लो ऑफ करंट को, उसी तरह अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी या फिर वी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू लिख लो, है ना। तो क्यू किसके इक्वल है यहाँ पे, सी वी। सी क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि इस कंडक्टर की इतनी एबिलिटी है कि ये इतने चार्ज को होल्ड करके रख सकता है इतने टाइम तक। थस यहाँ से अगर कैपेसिटेंस सी की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन वी, दैट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब अगर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कोई पूछता है तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज अपॉन पोटेंशियल सी इज क्यू अपॉन वी। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। तो कैपेसिटेंस क्या है कि पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए कितने चार्ज की वैल्यू चाहिए, वही क्या है हमारा कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस समझ आ गया? हाँ जी मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ नीचे भी सेम लिखा है दोबारा कि कैपेसिटेंस होता है जो कंडक्टर का, वो मेजर होता है कि कितने लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज बिना विदाउट रनिंग अ हाई पोटेंशियल, है ना, कितना लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड करके रख सकता है, कितनी कैपेसिटी है, वही उसका कैपेसिटेंस होता है। ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस हमेशा, ये याद इम्पॉर्टेंट है ये भी, कि साइज और शेप के ऊपर डिपेंड करेगा ये, उसकी उसका इफेक्ट पड़ता है साइज और शेप का कंडक्टर की कैसी है कि वो होल्ड करे चार्ज को, है ना। उसके नेचर पे, सराउंडिंग मीडियम मतलब परमिटिविटी पे भी इफेक्ट का भी इफेक्ट पड़ता है, और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स का भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। लेकिन मटीरियल का क्या नेचर है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, और अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट था कंडक्टर के ऊपर चार्ज, उसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये भी यहाँ भी ये भी इम्पॉर्टेंट है पढ़ना कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर कैपेसिटेंस की वैल्यू पे का इफेक्ट पड़ता है और कौन से के ऊपर नहीं। अब कैपेसिटर के यूनिट कैपेसिटेंस, अभी हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, जैसे उसमें रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे कि किसी डिवाइस की कितनी रेजिस्टेंस है, उसी तरह कैपेसिटेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, फ्लो रेजिस्ट करता है जो फ्लो ऑफ करंट के, कोई भी डिवाइस कितना रेजिस्ट करता है। कैपेसिटेंस क्या है, कितने चार्ज को होल्ड करके रख सकता है कोई डिवाइस, वो उसकी कैपेसिटेंस है। और रेजिस्टर क्या था, एक डिवाइस था, उसी तरह कैपेसिटर क्या आएगा, एक डिवाइस बनेगा हमारे पास जिसको हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमें चार्ज को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह रेजिस्टर को हम कहाँ यूज़ करते थे, यहाँ पे हमें चार्ज करंट को अपोज करना होता था, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जहाँ पर हमें चार्ज को स्टोर करना होगा वहाँ हम कैपेसिटर को यूज़ करेंगे। जो कैपेसिटेंस था ये, इसके यूनिट क्या होते हैं, एसआई फैरेड, फैरेड को कैपिटल एफ से लिखा जाता है लेकिन कंप्लीट नेम को स्मॉल, एफ ए आर ए डी, फैरेड। ये किसके नेम के ऊपर पड़ा, माइकल फैराडे, उसने इसके बारे में सर्च किया है, उसने उसी ने फाइंड आउट किया था। तो कैपेसिटेंस अगर 1 फैरेड की हम डेफिनेशन लिखें, 1 फैरेड कब होगा कैपेसिटेंस, अगर हमारे पास चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब हो और 1 कूलम्ब चार्ज कितना पोटेंशियल इंक्रीज कर दे, 1 वोल्ट ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है। तो 1 फैरेड क्या हो गया, 1 कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट, ठीक है। यूनिट पता चल गए? यस मैम, ठीक है। तो ये फर्दर इसके स्मॉल यूनिट भी लिखे हैं, 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, ठीक है। और अगर हम स्मॉल भी यूज़ करें तो 1 मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, तो उसमें इतना होगा। अगर डायमेंशन से निकालें यहाँ से तो 1 कूलम, और वोल्ट क्या होता है, जाउल पर कूलम, है ना। वोल्ट क्या था, वर्क डन, वी क्या था, पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो जाउल पर कूलम थे, कूलम ऊपर चला गया, कूलम स्क्वायर अपॉन जे, कूलम को हम एम्पेयर सेकेंड लिख सकते हैं और जाउल को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर। तो यूनिट क्या बन गए हमारे पास, एम्पियर, यहाँ पे ए स्क्वायर टी, ऊपर तो करंट के बन रहे हैं, करंट का ए टी का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे क्या एम एल टी माइनस टू एल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैपेसिटेंस का हम वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ऊपर चार्ज के यूनिट पुट कर दो, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दो, और नीचे पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला, पोटेंशियल को हम किसकी फॉर्म में, वर्क अपॉन चार्ज की फॉर्म में, और फर्दर फोर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, कूलम्ब ऊपर चला जाएगा, चार्ज के यूनिट का स्क्वायर, चार्ज के डायमेंशन क्या होते हैं, ए टी, बिकॉज आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी, क्यू क्या आ गया आई इंटू टी, आई के एम्पियर, टी के टाइम, टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे न्यूटन मीटर, फोर्स के लगा दिया एम एल टी माइनस टू।